नमस्ते सुप्रभातम। आज चित्र पुस्तकालय में मैं आपको चित्र के बारे में बता रही हूँ। अलग-अलग जैसे कि अपना दर्जी है, दर्जी क्या काम करता है, लोहा है क्या काम करता है, खाती है क्या काम करता है, ये सारी जानकारी बच्चों को किस तरह से देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के चार्ट बनाए रखते हैं। चार्ट बनाए रखते हैं, चार्ट के अंदर जैसे ये किसका चित्र है, कुमार का। ये किसका चित्र है, कुमार का। कुमार क्या क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बच्चों को बताते हैं कुमार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। जैसे कि मिट्टी के प्रकार, बच्चों को मिट्टी के बर्तन को बारे में जानकारी होती है तो बताते हैं। अपनी मटकी होती है, अपने मटकी बना तो किसकी होती है, मिट्टी की बनी होती है। छोटी सी रोपड़ी होती है, वो किसकी बनी, मिट्टी की बनी होती है। गमले होते हैं, वो किसके बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। इस तरह से बालक को अलग अलग बताते हैं। ये कौन है, कुमार। कुमार क्या कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। इसका काम है मिट्टी का बर्तन बनाना। ये देखो सुथार, सुथार यानी खाती, सुथार यानी खाती जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का काम करता है। अब लकड़ी के काम बहुत सारे होते हैं, टेबल कुर्सी भी होती है, गेट भी होते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें जैसे कि लकड़ी के खिलौने भी होते हैं, लकड़ी के फ्रेम होते हैं, अलग अलग प्रकार के लकड़ी के खिलौने और गेट और चारपाई वगैरह सब कौन बनाता है, सुथार। कौन होता है ये, खाती। अपन खाती बोलते हैं, खाती है जो क्या करता है, लकड़ी का काम करता है, वो खाती होता है। और लकड़ी के चूल्हे भी होते हैं, लकड़ी के अलग अलग प्रकार के सामान जो अपन के जो चीज खाती क्या करता है, बनाता है अपने लिए। इसी प्रकार ये कौन है, दर्जी, है ना। कौन ये, दर्जी। दर्जी कौन होता है, जो अपने कपड़े सिलता है, कपड़े सिलता है ना। जैसे इसमें तो कौन बताया हुआ है, यह आदमी जो बड़े कपड़े सिलते हैं। इसी प्रकार से औरत के कपड़े, औरत भी सिलती है और आदमी भी सिलते हैं। तो ये कौन है, दर्जी। दर्जी क्या कर रहा है, अपने कपड़े सिलते हैं, पेंट उसे सिल देता है। और अपन जो बड़े छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके छोटे छोटे लेकर सिल देते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े सिलते हैं, कोट सिल देता है, ये अपने जैकेट सिलता है। कौन सिलता है, दर्जी। दर्जी का क्या काम है, कपड़े सिलना। क्या काम है, कपड़े सिलना। ये क्या है, मशीन है ना। तो ये क्या करता है, कपड़े सिल रहा है। ये देखो इसने वापस ले लिया दर्जी का काम। ये देखो ये दर्जी क्या कर रहा है, कपड़े सिलता है। क्या कर रहा है, कपड़े सिलता है। ये सिलाने ऊपर सुथार, तो सुथार का चित्र दिया जो मकड़ी का काम करता है। इसी प्रकार से देखो ये कौन है, हल जोतने वाला किसान। खेती करता है ना, खेती करने वाले को क्या कहते हैं, किसान। किसान जो होता है वो खेती करता है। कितने हैं इसमें, दो देखो बैल दिए हुए हैं। ये क्या कर रहा है, हल जोत रहा है, खेती को खेती कर रहा है। खेती करने वाला कौन होता है, किसान। खेती से सारा चीजें प्राप्त होती है, पर वो अनाज किससे प्राप्त होता है, खेती से होता है ना। गेहूं है, मोठ है, मूंग है, ज्वार है, चना है, जितनी भी खाद्य सामग्री है वो किससे प्राप्त होती है, किसान ही। किसान खेती करता है, उसी से अपन को प्राप्त होती है। सबसे महान कौन होता है, किसान होता है, जो सभी का लालन पालन करता है। धूप दिन रात धूप में परेशान होता है, खेती का धूप कितनी रहती है, पूरा टाइम वो खेत में काम करता रहता है। कौन है, किसान। ये देखो ये कौन है, डॉक्टर। डॉक्टर का क्या काम है, इलाज करना। किसका, अपन जब बीमार होते हैं तो इलाज करते हैं ना, कौन करता है, डॉक्टर। आप पता है, कभी बुखार आ जाता है अपन को, कभी अपन उल्टी होती है, कभी दस्त होती है, तो किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। डॉक्टर अपना इलाज करता है। ये भगवान की तरह होते हैं, अपन एकदम बीमार, ज्यादा बीमार होते हैं तो कौन अपन का इलाज करता है, डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाने से अपनी तबीयत और ठीक हो जाती है। गए कभी, कभी दादाजी बीमार होते तो लेके जाते हैं, कभी घर में कोई बड़े बड़े बूढ़े बच्चे बीमार होते हैं, अपन भी कभी बीमार है तो किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। ये कौन है, डॉक्टर। ये डॉक्टर का काम क्या है, अपना इलाज करना। अब देखो इस लोगों को बताया हुआ है, ये कुमार है, इसके चारों मेले में मटकी मटकी रखी हुई है। मैंने बताया ना, ये कुमार, कुमार देखो इस तरह से बर्तन बनाता है, बना रहा ना, ये अपने पास बना बना के रखा हुआ है। तो इस तरह से कुमार मटकी वगैरह बनाता है। इसी प्रकार ये देखो लोहार, ये लोहार है ना, मैंने आपको बताया था लोहार का, जो लोह का काम करता है। लोहार कौन होता है, जो लोहे की सामग्री बनाता है। लोहे के गेट भी होते हैं, गेंदी पहाड़े जो अपन खेती करते हैं, उनकी सामग्री किससे बनी होती है, लोहे की बनी होती है। ये देखो लोहे की कढ़ाई बनती है, कढ़ाई में लोहा बनाते हैं ना, वो
ये सारे उच्चारण इसके बने सारे लोग थे। इसी प्रकार ये किसका चित्र है दीदी जी ना अपने पढ़ाने वाले आपको बहन जी पढ़ाते हैं वैसे ही ये क्या कर रहे हैं दीदी जी पढ़ा रहे हैं भैया बहनों को। ये कौन है पढ़ाने वाले टीचर है। इस तरह से बच्चों को अलग अलग प्रकार के चित्र से हम बच्चों को बताते हैं। ये कौन है भाई सभी जानते हो ये कौन है पुलिस वाले जब कोई बदमाशी करता है कोई चोरी करता है ना गलत काम करने वाले को पुलिस क्या करता है पकड़ के लेके आते हैं। ये अपनी रक्षा करते हैं पूरे आदमी से अपन को बचाते हैं। ये कौन है पुलिस। इसी प्रकार डाकिया डाकिया देखा क्या डाकर होता है जो ये डाकिया डाकिया किसको कहते हैं जो अपन के आस पास आके डाक देता है। कभी किसी की शादी होती है तो कुकू पत्र आती है किसी के तार आते हैं किसी के पत्र आते हैं अपन किसी किसी परीक्षा देते हैं तो उसका परिणाम आता है तो इस किसके द्वारा आता है वो लेटर वगैरह डाक द्वारा। ये डाकिया अपन के घर आ के अपना अपन को चीज देता है जो भी आती है वो चीज सारी फोन आके देता है डाकिया डाक द्वारा। और ये देखो मैंने बताया ना लोहार ये भी किसका चित्र है लोहार का। तो इस प्रकार हम बच्चों को क्या करते हैं अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरीके से जमा के और बताते हैं और बच्चे ये देखो ये कौन बच गया फौजी। फौजी किसकी रक्षा करता है अपने पूरे देश की कौन रक्षा करता है फौजी सीमा पे हर समय सर्दी गर्मी वर्षा में एकदम डटे हुए रहते हैं कभी पीछे नहीं हटते हैं। अपन तो कहते अरे इतनी सर्दी आ गई स्कूल नहीं जाएंगे अरे इतनी सर्दी आ गई आज हम बाहर नहीं जाएंगे लेकिन ये अपनी रक्षा करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो अपन को भी फौजी जैसे हर समय तैयार रहना चाहिए देश की सेवा करनी चाहिए। तो आज मैंने सारे बच्चों को बताना और इस तरह से और भी चित्र अपने पास हो सकते हैं तो अपन को अलग अलग प्रकार से अलग अलग बच्चों को बताना चाहिए।